पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरा प्रदेश आक्रोश में है, पूरा प्रदेश गुस्से में इस पूरी आतंकी हमले पर कार्रवाई चाहता है। तो वहीं इंदौर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर सभी लोगों ने इकट्ठा होकर इसके विरोध स्वरूप एक दिवसीय उपवास रख और अपने खून से हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति को बदला लेने का पैगाम भेजा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पाक की कायराना हरकत से आक्रोश में इंदौर, शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर उपवास पर बैठे लोग खून से हस्ताक्षर कर महामहिम को भेजा पैगाम। महापौर मालिनी गौड़ और एकलव्य गौड़ ने किया उपवास। पुलवामा की शहादत पर पूरे देश में आक्रोश है। दहशतगर्दी की इस नापाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इसे लेकर इंदौर के दिल राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। दरअसल इंदौर शहर की प्रथम नागरिक महापौर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ के नेतृत्व में राजवाड़ा पर हिंद रक्षक संगठन के नागरिकों ने एक दिवसीय उपवास रखा, जिसमें महापौर मालिनी गौड़, पूर्व आईडी अध्यक्ष शंकर लालवानी सहित बड़ी संख्या में लोग उपवास पर बैठे। इस दौरान लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। लोगों ने दुश्मन देश पर चढ़ाई करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पैगाम लिखा, जिस पर अपनी खून से हस्ताक्षर भी किए। इस दौरान महापौर मालिनी गौड़, उनके बेटे एकलव्य सिंह गौड़ और पूर्व आईडी अध्यक्ष शंकर लालवानी सहित पुलिस कर्मियों ने भी खून से हस्ताक्षर कर महामहिम को अपना पैगाम भेजा। सबसे पहले तो सभी हमारे जवान शहीद हुए उनके चरणों में शशत वंदन करती हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ पूरे शहर की ओर से। और पूरे देश में इतना आक्रोश है क्योंकि एक एक जवान शहीद जो हमारी देश की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो बहुत ही संवेदनशील है, माननीय मोदी जी ने ये शब्द कहे हैं और वास्तव में उन्होंने पूर्व में भी जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की थी उससे बड़ी कार्रवाई होगी ऐसी पूरा देश उम्मीद कर रहा है। और जिन आतंकवादियों ने और जिस आतंकवादी देश ने ये कृत्य किया है उसकी हम सभी घोर निंदा करते हैं और उनको भी सड़क पे मारना चाहिए। और मैं पूरे इंदौर शहर की ओर से शशत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जो भी हुआ है ये देश के लिए बड़ा बहुत बड़ा हादसा है और इसके लिए हम लोग सब सदमे में होंगे और हम ही क्या हमारा पूरा देश इस हादसे के लिए सदमे में होगा और इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए और हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए हम क्या हमारा पूरा प्रत्येक नागरिक इसके लिए कटिबद्ध रहेगा और इसका जवाब बराबर दिया जाएगा। उसको पुलिस भी एक आम नागरिक है, हम भी हमारा भाई गए हैं, हमारे भाई लोग गए हैं तो हमें भी उतना ही आक्रोश है जितना सभी को आक्रोश है। और इस आक्रोश के अंदर ही हमने हस्ताक्षर किए हैं और खून से रक्त से हस्ताक्षर कर रहे हैं। और हमारी दरख्वास्त है सभी से इस बात के लिए कि जिस तरह से एकजुट होकर सब अपना आक्रोश जता रहे हैं, सभी इस तरह का आक्रोश जताएं ताकि जो भी जिन लोगों ने ये कायरतापूर्ण हमला किया है वो अपने आप में थर्रा जाएं। ये विरोध प्रदर्शन हिंद रक्षक संगठन के नेतृत्व में हुए, जिसके संरक्षक एकलव्य सिंह गौड़ ने कहा कि शहीदों की शहादत के सम्मान में ये प्रदर्शन किया गया और पीएम मोदी से मांग की है कि पाकिस्तान पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए कि वो भविष्य में कभी ऐसी कायराना हरकत के बारे में कल्पना भी न कर सके। आवश्यकता हुई तो हम देश के लिए अपना रक्त बहाने से पीछे नहीं हटेंगे।
14 तारीख को पुलवामा में जो हमारी सेना पर एक कायराना हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने किया है, उस हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके सम्मान में हमने एक दिन ही उपवास का यहाँ आह्वान किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं जिसमें सभी कार्यकर्ता और आमजन से हमने अपील की है कि अपने रक्त से हम हस्ताक्षर करें उस पर। इस पूरे अभियान का उद्देश्य यह है कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी कड़ी कार्रवाई इस घटना के का प्रत्युत्तर होना चाहिए कि कोई भी आगे से इस तरह की घटना को दोहराने की कल्पना भी ना करे। साथ ही हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ और भारतीय सेना के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है और आवश्यकता होगी तो इस देश का युवा अपना रक्त बहाने से भी पीछे नहीं हटेगा, यही इस अभियान का मूल उद्देश्य है। कुल मिलाकर इस प्रदर्शन के जरिए हिंद रक्षक संगठन ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पूरा देश भारतीय सेना शहीद सैनिकों के परिवार और सरकार के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।